अच्छा, अब इसकी बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। तो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बीसीसी लैटिस, ठीक है, उसका यूनिट सेल इतना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, ठीक है। तो बीसीसी में आप जानते हैं कि जो टचिंग कंडीशन होती है वो कॉर्नर्स, बॉडी डायगनल, बॉडी सेंटर और उसका बॉडी डायगनल। तो बॉडी डायगनल की जो लेंथ होती है रूट थ्री ए होता है, ठीक है। तो फोर आर बराबर रूट थ्री आया है। अब आपको क्या पूछा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर, ठीक है, यानी कि 2r की वैल्यू एक तरह से पूछी हुई है। तो 2r इज इक्वल्स टू रूट थ्री ए बाई टू। तो आप सब जानते हैं ऑप्शंस के हिसाब से ये 1.732 होता है इंटू ए, ए कितना दिया हुआ है 5.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, डिवाइड बाई टू। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमें एग्जैक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑप्शन से टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी जो आंसर आएगा वो 5.2 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि आपका 4.5 आप आंसर टिक कर सकते हैं।